है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पल्लवी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सब्ज़ी, वो भी एक नए स्टाइल में। जब घर में कोई सब्जी ना हो तो आप ये बना करके चावल के साथ, पराठे पूड़ी के साथ खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जो मैं बनाने जा रही हूँ, आप उसको आलू की दाल भी बोल सकते हैं, सब्जी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने किया है कढ़ाई में तेल गरम, और इसमें डालूँगी ये ज़ीरा और तेज़पत्ता। फिर मैं डालूँगी इसमें कटी हुई बारीक प्याज, जिसमें मैंने दो प्याज लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च काटा है। प्याज हमारा जैसे ही ब्राउन हो जाएगा, उसमें मैं ऐड करूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो पहले हम प्याज को ब्राउन होने देते हैं 2 से 3 मिनट तक। तो मैं बनाऊंगी इस दाल के साथ आलू की चावल। तो मैंने यहाँ पे चावल भी रख दिया है गैस पे बनने के लिए। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:15। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और यहाँ पर हमारे यहाँ तो गर्मी और भी ज़्यादा है। तो ऐसे में इतनी गर्मी में तो ना कुछ बनाने का मन करता है, ना खाने का मन करता है, लेकिन फिर भी पेट है तो बनाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। तो फिर हम प्याज को ब्राउन होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा हो चुका है ब्राउन। तो मैं इसमें ऐड करूंगी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने फूट लिया था इसमें। तो इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। इसको भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ टमाटर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर को भी थोड़ा सा पका लूँगी 2 से 3 मिनट तक। जैसे ही हमारा टमाटर थोड़ा सा गल जाएगा, मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ सूखे मसाले, जो कि मैं अभी बताऊँगी कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ इसमें। मैंने अभी मोबाइल को पकड़ रखा है हाथ में, और मैं वैसे ही एक हाथ से शूट कर रही हूँ, एक हाथ से बना रही हूँ, क्योंकि मैं जिस मोबाइल से बनाती हूँ वो मोबाइल मेरा अभी है नहीं घर में। तो मैं अभी अपने पर्सनल मोबाइल से शूट कर रही हूँ वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा। तो अब मुझे ऐड करना है इसमें ये मसाले। तो मसाले में मैं आपको बता दे रही हूँ, ये मसाले में मैंने हल्दी पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, और ये जो है मेरा, इसमें मेरा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, तीनों मिक्स मसाला है। और ये हम लोग घर पे ही बनाते हैं, धो करके सुखा करके पिसाते हैं घर पे ही। और ये है जो ब्लैक ब्लैक, ये है चाट मसाला। तो ये मैंने थोड़ा सा लिया है, तो मैं सबको इसमें डाल रही हूँ। इसमें हल्का सा ऐड करेंगे पानी। ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अगर आप मोबाइल से शूट करते हैं वीडियो, तो आपको बहुत संभाल के शूट करना पड़ता है, क्योंकि कढ़ाई कभी भी इधर उधर पलट सकती है। ये जो मेरी सब्जी है, ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस जैसे ही ये 2 से 3 मिनट तक, और मैं फ्राई कर लूँगी इसको। ये वैसे भी तेल छोड़ने लगा है, तेल तो इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला था, क्योंकि ये बनने के बाद तेल उसमें
समझ में नहीं आता है, दिखता नहीं है, तो थोड़ा इसमें ज़्यादा ही देर तेल डालना पड़ता है। ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मेरा मसाला, टमाटर, प्याज, सारी चीज़ें मेरी फ्राई हो चुकी है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी अब आलू, जो कि मैंने बॉयल करके छोटे छोटे पीसों में काट के रखा है। आप चाहे तो उसको मैश करके भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, फिर बाद में जब इसमें पानी ऐड करेंगे तो उसमें भी हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। और तो इसको अभी हम फ्राई होने देंगे 3 से 4 मिनट तक, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे खाना है चावल के साथ। अगर आप पूड़ी और पराठे के साथ बना रहे हैं उसके साथ तो ये और मस्त लगता है सब्ज़ी। तो आप इसमें थोड़ा ठीक रखिएगा, इसको पानी कम ऐड करिएगा। और मैंने तो थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी ऐड किया है, तो इसको मैं 4 से 5 मिनट तक ढक करके पकने दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार कर लेंगे चेक, तभी ये मेरी सब्ज़ी खोल रही है। अभी मैंने हाई फ्लेम किया था, अब मैं 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम करके इसको पकने दूंगी, ताकि ये जो मैंने पानी डाला है ये अच्छे से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन करके हो चुकी है रेडी।